नमस्कार, आप सबका स्वागत है क्रिकेट के मैदान के दो दिग्गज भारत और पाकिस्तान एशिया कप में जल्द ही 19 सितंबर को आमने सामने होने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। और देखिए, ये जो महामुकाबला क्रिकेट का होता है, इस पर रोमांच सबका बहुत ज्यादा टिका होता है। लेकिन ये जो रोमांच है, ये उससे पहले टेलीविजन चैनलों पर नजर आने लगता है। और इसी वजह से एशिया कप बिग बॉस लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। ये स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं। आप कहेंगे आज का जो ये प्रोग्राम है, ये खास क्यों है? ये खास इसीलिए है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर है आज के दिन। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत से आपका चैनल एबीपी न्यूज और पाकिस्तान के कराची से ARY चैनल साथ आए हैं इस महामुकाबले से पहले ये खास कवरेज आपके सामने लेकर। और मैं आपको गारंटी दे रही हूं कि जितना रोमांचक मुकाबला भारत और पाकिस्तान का आप और हम उम्मीद कर रहे हैं खेल के मैदान पर दुबई में एशिया कप में होने जा रहा है, तकरीबन उतना ही मजा या शायद उससे ज्यादा मजा आपको हमारे इस प्रोग्राम में आएगा। मुकाबला जबरदस्त होने वाला है क्योंकि दोनों तरफ आज क्रिकेट जगत के बेहद खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, उनका तारुफ अगर मैं आपसे कराऊं तो मेरे साथ भारत से जो खास मेहमान जुड़े हैं उनमें सबसे पहले भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक हमारे अपने हरियाणा हरिकेन कपिल देव हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज दिग्गज भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर, जिनकी खरी खरी हर मुद्दे पर दिल से उनकी बात आप सुनते हैं, और साथ ही भारतीय टीम के क्रिकेटर रहे और भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता रहे संदीप पाटिल भी आज इस मैच को लेकर अपनी बातों के साथ हमारे बीच हाजिर हैं। तो ये तीन खास मेहमान भारत से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के जो दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं शाहिद अफरीदी, वो हमारे साथ आज के मेहमान पाकिस्तान से होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में सफलतम बल्लेबाज हैं उनमें से एक यूनुस खान साहब हमारे साथ आज के मेहमानों में पाकिस्तान से शामिल हैं, और तेज गेंदबाज तनवीर अहमद भी आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में पाकिस्तान से हमारे मेहमान हैं। और उधर पाकिस्तान में सवालों का मोर्चा संभालने जा रहे हैं वसीम बादामी, और इनके बारे में कहा जाता है बड़ी मासूमियत से वसीम बादामी अपने सवाल पूछते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं उनके मासूमियत भरे सवाल आएंगे तो यहां भी चौकों छक्कों की बरसात के साथ प्यार और मोहब्बत के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। वसीम, ओवर टू यू। आपके पास मैं ये जो प्रस्तुति है इसको आगे बढ़ाने के लिए भेज रही हूँ, लेकिन हमारे साथ यहाँ भारतीय मेहमानों में गौतम गंभीर तो हैं, मुझे वहाँ शाहिद नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ नेहा, आई बीन टोल्ड कि शाहिद अफरीदी, आई होप कि शायद वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर सके, अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनको कोई 11th आर पे कोई इमरजेंसी हो गई है, बट आई होप कि वो हमें किसी भी वक्त यहाँ पे मतलब ज्वाइन कर लेंगे। एंड मूविंग फॉरवर्ड, मुझे नहीं पता, नहीं, इत्मीनान रखिए, मैदान छोड़ के नहीं भागे, और उनकी कमी भी आपको महसूस नहीं होने देंगे, ये भी आप इत्मीनान रखिए, ये पता चल जाएगा थोड़ी देर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई इशू नहीं है, वो पता चल जाएगा। बाकी ये कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि और किसी बात में आपसे इत्तेफाक आगे कर पाएंगे हम या नहीं, लेकिन आपकी इस बात से मैं ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ कि मैं भी ये गारंटी ज़रूर देता हूँ अपने व्यूअर्स को, पाकिस्तान में और जो इंडिया में भी हैं, कि जितना मैच में मज़ा आने वाला है शायद उतना ही बल्कि शायद उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मुकाबले में भी, जो कि इस मुकाबला कह लें या मुबाइसा कह लें जो कि यहाँ पर हो रहा है। तो सर आपने भी तारुफ कराया, यहाँ पर यूनुस खान साहब पाकिस्तान के एक मायानास बैट्समैन, पाकिस्तान के वो कैप्टन की जिन्होंने वर्ल्ड T20 में जितवाया, पाकिस्तान को क़यादत की, और तनवीर साहब जो हैं वो जितनी ज़बरदस्त और तेज़ अंदाज में बॉलिंग कराते हुए हमें ग्राउंड में नज़र आते थे उससे भी ज़्यादा जारहाना अंदाज में हमें टेलीविजन स्टूडियोज़ में नज़र आते हैं। ऑफ कोर्स मैं अपने पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए भी आपके जो मेहमान हैं संदीप पाटिल जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब गौतम गंभीर जो कि अगेन आपने कहा बहुत ही जज्बाती हमें ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड में नज़र आते हैं, और कपिल देव साहब को तो ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता। सो आप आगाज कीजिए फिर जरा हो जाए कुछ दो हाथ। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बस वही जानना चाहती थी कि शाहिद अफरीदी कब तक हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वाकई में देखिए भारत में बड़ा मिस उनको किया जाता है, उनका जो खेल है वो काफी मिस किया जाता है। वैसे गौतम गंभीर हमारे साथ हैं, और गौतम आपने सुना जिस तरह से वहां से वसीम हमें कह रहे हैं कि कमी नहीं महसूस होने दी जाएगी शाहिद अफरीदी की। एब्सोल्युटली होनी चाहिए भी नहीं, बिकॉज आई थिंक उन्होंने वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा किया, नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया, बट अगर आप देखें तो ऐसी कोई ऑफ द फील्ड राइवलरी नहीं है, बट जब आप ऑन द फील्ड खेलते हैं तो ऐसा कोई प्रेम भी नहीं है। वसीम, यूनुस साहब वहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, आप ज़्यादा मिस तो नहीं कर रहे उन्हें गौतम जी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आई थिंक हमारे पास बहुत सारे शाहिद अफरीदी इस देश में भी बैठे। नहीं, जब से हमने आगाज किया है शाहिद ही हो रहा है, हालांकि है नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या चले थोड़ी नहीं नहीं कोई इस देश में ज्वाइन कर ले हमें, वरना बिल्कुल नहीं। Even I can reassure that इस देश में शाहिद अफरीदी की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं इस देश में। फिर नेहा जी ने कहा ना बहुत मिस करें, I can understand, वो जाहिर है वो अफरीदी तो फिर आप भाई कुछ बोल सकते हो। जी तनवीर,
देखिए गौतम, मेरे ख्याल में हर किसी का एक अपना अपना नाम होता है. मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इंडिया में कोई शाहिद अफरीदी हैं वहाँ पे. शाहिद अफरीदी एक ही है और वो एक ही रहेगा. और ये आपकी भूल है कि जिस तरह बोला गया कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड छोड़ के भागे नहीं. शाहिद अफरीदी कभी भी ग्राउंड छोड़ के नहीं भागते. उन्होंने सारी ज़िंदगी भगाया है दूसरों को, तो इसी वजह से उनका इतना नाम. और जब वो खेलते थे तो इंडिया की बड़ी बात ये तनवीर की होती थी शाहिद अफरीदी इतनी कम उम्र वाला तो वाकई भारत में नहीं है. हाँ, ये बात तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है तो मेरे ख्याल में स्पेशली जो इंडिया की टीम है वो वैसी उनसे भागती थी. तो इंशाल्लाह ताला भी अगर शाहिद अफरीदी प्रोग्राम में आ जाते तो मेरे ख्याल है तो वैसे ही भाग जाएंगे आप लोग. इसलिए यही फर्क है कि हम तीन बार आते हैं ना, इसमें मजीद बात होती रहेगी. यही फर्क है कि हम तीन बार वर्ल्ड कप जीते हैं और वो दो बार. यही इतना ही फर्क है. जी जी, मेरे ख्याल में वसीम और वहां बैठे मेहमान सुन रहे हैं. जी वसीम, आप कुछ कह रहे थे. देखें जीतना या ना जीतना वो बात की बात है. मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ. इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ. वो जब आगे बढ़ाते हुए तो सारे भागते थे. और गौतम ने आई इस वर्ल्ड कप की बात की है तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो उसमें किसका पलड़ा भारी, ये भी बात बड़ी वाजे है. और वैसे वर्ल्ड कप के भी स्टैटिस्टिक्स बड़े खतरनाक हैं. 1983 में इंडिया जीता, फिर 2011 में जीता, फिर 87 में ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर 2015 में जीता, तो 92 में हम जीते थे. तो 2019 में अब आप देख लें क्या होने वाला है. मैं भी बड़े बड़े दावे नहीं करता लेकिन वो भी आप देख लीजिएगा 2019 में क्या होता है. लेकिन अगर मैं कपिल देव की बात कर रहे हैं उसी अगर पे मैं आपसे पूछ सकूं और एक सवाल बिल्कुल कपिल से सवाल आपका एशिया कप पर. जी जी पूछिए. जी सर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फैंस को लेके ऑफकोर्स ये एक गेम से एक मैच से बहुत ज़्यादा कुछ होता है. इमोशंस अटैच्ड होते हैं, खुशियां अटैच्ड होती हैं, आंसू अटैच्ड होते हैं, लोगों के दिल टूटते हैं, लोगों की टेलीविजन स्क्रीन्स टूटती है, बहुत कुछ होता है. आपके ख्याल में ओवर द ईयर्स और खासकर अभी जो मैच आ रहा है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, दोनों साइड्स के खासतौर पर इंडियन साइड के फैंस की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है. थोड़ा बहुत एक नाराज़गी या एक नाखुश भी हैं कि विराट कोहली नहीं है. लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट चलेगा शायद उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि टीम उनके बारे में ज़्यादा मत सोचे और अपनी उम्मीदों के साथ खेले. मुझे लगता है कि इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है. दोनों टीमों का अपना अपना एक रुतबा रहा है और खेलने का भी और खेले भी हैं. पर अब से ये कह सकते हैं कि पहले 80s में पाकिस्तान टीम बहुत बढ़िया थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जीत हासिल की. लेकिन पिछले 15-20 सालों में मैं ये कहूँगा कि इंडियन टीम का थोड़ा दबदबा ज़्यादा रहा है. लेकिन अब दोनों टीमें मुकाबले पे हैं. उम्मीद करते हैं कि दोनों अच्छा क्रिकेट खेलें और जो बेहतर खेलें उस दिन वो जीते. जी, मैं इसी चीज़ को आगे लेकर जाना चाहूँगी क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान मौजूद हैं. वसीम, मेरा सवाल जो है वो यूनुस खान जी से होगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने टीवी सेट की बात की माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम तस्वीरें देखते हैं कि पाकिस्तान में बड़े टेलीविजन सेट टूटते हैं, तो बस मैं ये जानना चाहती थी कि टीवी मंगवा लिया ना आपने? जी जी, मैं बिल्कुल उससे पहले जानना चाह रहा था कि वो पटाखे पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम हो गए, महंगे हो गए, क्योंकि वो हमने सारे चला दिए ना चैंपियंस ट्रॉफी में. आप लोगों ने जो लेके रखे हुए तो बच गए सारे, तो वो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी. तो आप अपने पटाखों की फिक्र करें, हमारे टीवी सेट की कोई टेंशन नहीं है, वो सब ओके काम है. नहीं नहीं, अच्छी बात है. पड़ोसी देश हैं तो हमें लगा अगर कम पड़ रहे होंगे तो भेज सकते हैं ऐसे टीवी सेट. वैसे एशिया कप का अगर हम रिकॉर्ड देखें, और यूनुस खान साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा. नहीं नहीं, हम पटाखे एक्सपोर्ट कर सकते. आप हमें भेजिए, प्लीज भेजिए, लेकिन पटाखे भेजिए, क्योंकि आपके पास बच गए ना पिछले साल के, हमारे पास पटाखे कम हो गए, वो सारे चला लिए हमने. एशिया कप का अगर हम रिकॉर्ड देख लें वैसे तो 6 बार भारत जीता है, 2 बार पाकिस्तान जीता है, और हम जानते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन भारत है. लेकिन बात बड़ी हो रही है कि कौन किस पर भारी, और हम देख रहे हैं कि काफी वर्बल जो एक तरह से वॉर ऑफ वर्ड्स है. भारत ने जो 11 मैच खेले हैं उसमें दोनों 5-5 जीते हैं. जी, पुराने रिकॉर्ड फिर पुराने ही रह जाते हैं ना वसीम. नई भारत तभी लिखी जाएगी जब नए जोश से जाएंगे, है ना? तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. आपने जो बताया वो पुराना ही है ना. हाँ, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना. बताया पुराना ही है ना. चलिए, यूनुस खान साहब आपसे जानना चाहूंगी. बस नई तारीख तो बन जाएगी अभी कुछ घंटों में. जो बात कप्तान बताया तो मैंने ही पुराना याद दिला दिया. मासूमाना. इंग्लैंड के टेस्ट की बात की जा रही है, वो टेस्ट मैचेस हैं. अभी हम देख रहे हैं अगर हम भारत की बात करें तो जिस तरह से भारत की टीम जा रही है उसमें कई वनडे स्पेशलिस्ट हैं जिनको एशिया कप में भारत की तरफ से भेजा जा रहा है. आपको क्या लग रहा है? देखिए नेहा जी, अगर हम पहले इसकी बात कर लें कि टेस्ट मैचेस की बात करें तो टेस्ट मैचेस से पहले इंडिया वनडेज भी खेला था वहाँ पे, और उसमें भी कामयाबी इंडिया को नहीं हुई. तो इस वक्त इंडिया की आप ये कह सकते हैं इंडिया की टीम थोड़ी सी स्टेबल नहीं है यहाँ पे, और जिस तरह विराट कोहली का एक फैक्टर है उनको वो भी नहीं है,
और अगर पास्ट की बात की जाए, देखिए पास्ट तो होते ही चेंज, ये जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी उससे पहले भी ये बात हो रही थी कि इंडिया आएगा और पाकिस्तान को हरा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो चेंज हुआ। तो मेरे ख्याल से पास्ट में तो पास्ट का एक दबाव होता है, लेकिन जिस तरह करंट टीम खेल रही है और जिस तरह ये एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑन द डे कौन अच्छा खेलता है। और दोनों टीमें नहीं चाहेगी, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यहाँ पे वो यहाँ हार के वो इंडिया वापस जाए, क्योंकि बहुत से प्लेयर वहाँ इंग्लैंड से आ रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरह रिसेंट पास्ट में खेल रहा है, खासतौर पर उल्टा है, टेस्ट में अच्छा नहीं खेल रहा है लेकिन T20 और वनडेज में अच्छा खेल रहा है। कोहली की आप इतनी बात कर रहे हैं कि विराट कोहली को रेस्ट क्यों दे दिया गया, आप लोगों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने तो सुना था वहाँ पे कई प्लेयर्स कह रहे हैं भाई हमें बड़ा भाग गया, ग्राउंड छोड़ के भाग गया, रेस्ट नहीं, ग्राउंड छोड़ के भाग गया। मैच विनर है सर, एक जो आए नहीं है उनका जरा देख लीजिए, हम यहाँ फिलहाल बात कर रहे हैं। आप माने के ग्राउंड छोड़ के भाग गया। गौतम गंभीर आप सुन रहे हैं, विराट कोहली को रेस्ट क्यों दे दिया? हम तो इसलिए बात कर रहे हैं कि बात हारेंगे तो आप कहेंगे कोहली नहीं था ना, ये तो कोहली होता तो बताते हैं, इसलिए हम नहीं चाह रहे कि कोई रीजन हो आपके पास। देखिए पहली बात तो रेस्ट इसलिए दिए क्योंकि अगर आप इंडिया का शेड्यूल देखें और पाकिस्तान का शेड्यूल देखें, वो हमने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देख लिया था। एक टीम जिम्बाब्वे से खेल के आ रही है और एक टीम पूरे 3 T20 3 ODI और 5 Test match खेल के आ रही है, तो आप चाहते हैं कि आप इंग्लैंड से हार के आ रही है? ठीक है भाई साहब, इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतना जमीन आसमान का फर्क है यार। जिम्बाब्वे से तो हमारी इंडिया ये भी जीत सकती है, तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है क्या? एक्सक्यूज क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतने की बात है, चाहे कोई जिम्बाब्वे से खेले चाहे कोई इंग्लैंड से खेले, तभी सही बात है कि तभी आप फिर अगर इंडिया जाके जिम्बाब्वे को हराएगा आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना अच्छी परफॉर्मेंस की है, तभी फिर आप ये बोले ना कि नहीं जी इंडिया की टीम भी जिम्बाब्वे से खेली है जाके, तो हल्की टीम से खेली हम जीत गए। सही बात है, तभी अपनी रैंकिंग देखो और हमारी रैंकिंग देखो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आप जिम्बाब्वे से ही खेलते रहो क्या, ठीक है आप जिम्बाब्वे बांग्लादेश इन्हीं को हराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और के खिलाफ भी खेला था, जीत के आ गए, कोई बात नहीं। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले कई बार कुछ नहीं जीते आप, ठीक है कुछ नहीं। वैसे तनवीर अहमद सालों से कुछ हाँ। नहीं कितनी दफा तो आपको हरा के थक गए हैं। सही और बात है तनवीर अहमद, वही मैं कह रही हूँ कि वो रिकॉर्ड जो है वो आज सारे लाए जा रहे हैं, उससे उसी बराबर करके आए थे। तनवीर अहमद पाकिस्तान से हमारे खास मेहमान जो मुखातिब हैं, 5 Test 2 ODI इन्होंने खेले। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और कराची के ARY चैनल की ये जॉइंट पेशकश, क्रिकेट का हमारा खास शो एशिया कप बिग बॉस, क्योंकि 19 सितंबर को भारत पाकिस्तान आर्च राइवल क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने आने वाले हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान से हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं, यूनुस खान साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, और उनके साथ ही वाहिद तेज गेंदबाज मौजूद हैं हमारे साथ, तनवीर अहमद पाकिस्तान के लिए 5 Test 2 ODI खेल चुके हैं, और मेरे काउंटर पार्ट वसीम बादामी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि सदाबहार शाहिद अफरीदी का हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जनता को अब भी स्टूडियो में इंतजार है। एक बात हम प्लीज तय कर सकते हैं इस बिग बॉस ट्रांसमिशन में के रिजल्ट के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि देखो विराट नहीं था ना वरना तो जीत जाते, ये प्लीज कमिटमेंट दे दें आज। मुझे लगता है कि इनको गिल्टी महसूस कर रहे हैं बहुत, यू नो बार बार ये बात कर रहे हैं कि बाद में क्या होगा, मुझे गिल्ट महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये भूल रहे हैं कि कर रहा हूं आप लोगों के लिए। नहीं देखिए आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, मैं बात करना चाहूंगा ऐसा हमारा एक खिलाड़ी जो हमारा कप्तान है इस एशिया कप का रोहित शर्मा, कमिटमेंट मांग रहा हूं आपसे कि खाते में के बाद कोई ये ना कहे कि वो विराट नहीं था वरना तो जीत जाते, जिस तरह का प्रदर्शन लग रहा है फेस सेविंग बना लिया आप लोगों ने अभी, एक दिवसीय क्रिकेट में दिखाया है, 3 दोहरे शतक लगाए हैं, आप तो शायद डर के मारे उनकी बात ही नहीं कर रहे। नहीं वैसे मैं भी ये चाहती हूँ, देखिए आप हमसे कमिटमेंट चाहते हैं, हम आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट तो दे विराट के ना होने के बावजूद भारत पाकिस्तान को हरा दे, तो आप ये ना कहें जी विराट नहीं था, देखिए फिर भी हम हार गए, अभी तो बड़ा गोल्डन चांस था जीत जाना चाहिए था फिर भी हार गए। मैं जवाब दे दूं जी बिल्कुल। देखिए जी बात ये है कि रेस्ट करवाना या ड्रॉप करना ये तो सब चीजें साइड पे कर दें आप, मेरी नजर में विराट कोहली भाग गए, उसकी वजह ये है कि इंग्लैंड की वो पूरी सीरीज खेले, इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में उनको बैक का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद भी वो मैचेस खेले। जब एक प्लेयर अपने मुल्क के लिए इंग्लैंड की सीरीज खेल सकता है
तो जब उसको ये पता है कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है एशिया कप का, तो मैं अगर इंग्लैंड की सीरीज सर्वाइव कर सकता हूँ तो मैं एशिया कप भी खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरे मेरे मुल्क के मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट होने हैं, एक मैच भी नहीं, फाइनल मिला के तीनों वनडे खेले हैं, इसी का काउंटर ओपिनियन लगातार दे रहे हैं कितना जरूरी है, इसी का काउंटर करना चाहता हूँ। तनवीर अहमद ने देखे, तनवीर अहमद ने 35 उनके 100 इनके 35 इंटरनेशनल, लेकिन तनवीर अहमद आपके ये दुनिया के जितने भी प्लेयर हैं 50 टेस्ट मैचों पे भी भारी है, आपको आज पता चल जाएगा कि देखो स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी, गौतम को सुन लेते हैं फिर डिसाइड हो जाएगा, स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी भारी रह सकता है, जितनी विराट कोहली के शतक है उतने तो आपके मैच में भारी है कि आपने 5 मर्तबा दोहराया कि 5 टेस्ट खेले, तभी मैं कह रहा हूँ इतने तो इतने समझदार को इशारा काफी, आपकी कंट्री में भी कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले, क्रिकेट अपनी जगह होती है, बाकी ये यही फर्क है, जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो 35 या 40 100 बनाने वाले के बारे में नहीं बोलते, आप और हमारे मुल्क में यही फर्क है कि आपके यहाँ पर एक टेस्ट मैच वाला खेलने वाला भी कुछ भी बोल सकता है। मैं 5 टेस्ट मैच खेला हूं, आप ज्यादा मैचेस खेले, लेकिन नजर आ रहा है कौन ज्यादा बात कर रहा है, और किसने किसको दबा दिया, मैंने तो आपको दबा दिया, एक और चीज तो बोला भी नहीं जा रहा, 5 टेस्ट मैच में दबा दिया आपको, आज के मैच पर आया थे ना, मैच पर आया जोश से 50, वही तो मैं कह रही थी, इतने जोश से 50 टेस्ट होने चाहिए, 5 टेस्ट में सब पे भारी है, इतना जोश है तो पता तो लगना चाहिए ना हमारे भी दर्शकों को, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर मैं मैच पर आया 50 टेस्ट मैच खेल जाता तो फिर क्या हाल होता, खेल ज्यादा करते हैं, ये बातें करने में काफी माहिर लग रहे हैं। वैसे वहाँ से एक सवाल आ रहा है, जी जी सर, वो चैंपियन ट्रॉफी से पता चल गया है, चैंपियन ट्रॉफी से पता चल गया है, आपके सिर्फ एक ही चैंपियन ट्रॉफी का ही एक लेके चलो, बातें कर रहे थे हमारे हमारे पास सर ट्रॉफी रखने के लिए जगह नहीं है, अरे बीसीसीआई का जो हमारा ऑफिस है वहाँ ट्रॉफी रखने के लिए जगह नहीं है, हमें दूसरा ऑफिस बनाना पड़ सर, रहा है, ट्रॉफी में ऑफिस रखने की जगह नहीं है, मैं वाकई में दिल से आपका एक बार और तारीफ करना चाहूंगी कि बिल्ली इतनी तेज भागी जा रही है, बिल्ली को कोई पकड़ने वाला नहीं है, भर भर कर बताया, पाकिस्तान ने तो उस बिल्ली को पकड़ लिया, उस बिल्ली को रोक के बोला कि भाई हम भी आ रहे हैं, चलो भागी जा रही हो, इतनी बार बोल रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं यूनुस खान साहब, किसी परिचय के मोहताज नहीं, 5 टेस्ट 2 वनडे खेले, तनवीर अहमद हमारे साथ लगातार मौजूद है, और शाहिद आफरीदी का वाकई में हम सबको बेसब्री से इंतजार है। आप देख रहे हैं लगातार एशिया कप बिग बॉस की स्पेशल कवरेज, और ये कवरेज अपने आप में खास इसीलिए है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान की जॉइंट प्रस्तुति है, यानी पाकिस्तान से एआरवाई स्टूडियो से खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगी यूनुस भाई की अगर भारत की तरफ से देखा जाए तो ये एशिया कप में बुमराह, भुवनेश्वर, मोहम्मद शमी, इनका आना और इनका अटैक क्या पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है, ये देखते हुए कि बल्लेबाजी पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग नहीं है? देखिए पड़ सकती है, ऐसा सच कुछ बात नहीं हो सकती, लेकिन प्रॉब्लम वही है, देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं, जो हमने मैचेस देखे कि पहले बॉल कौन कर रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हमने देखा जो पिछले कुछ मैचेस हुए तो जिसने पहले बैटिंग की उसने डोमिनेट किया, और जब बाद में बॉलिंग हुई तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम टीम इंडिया को देख लें तो कि हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त कि ये कंडीशन पाकिस्तान की, लेकिन ये कंडीशन सब कॉन्टिनेंट की है, तो यहाँ इंडिया को इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहिए अगर हम इंडिया की टीम को लेके चले, तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट वही है कि कौन बैटिंग कर रहा है, क्योंकि वेदर बहुत ड्राई है और जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसको बहुत एडवांटेज हो रहा है, बाद में चेस करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गर्मी की वजह से पिच और स्लो हो रही है और वेयर टीयर्स आ जाती हैं, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये सुन रहे हैं वहाँ से खबरें आ रही हैं कि जनाब नई पिचेस बनी है जिसमें बाउंस ज़्यादा हो रहा है बॉल, ये फैक्ट ड्रॉप इन पिचेस, तो ये इसका ज्यादा एडवांटेज किसको हो सकता है? देखिए ड्रॉप इन विकेट्स एक ऐसी विकेट्स होती हैं जहाँ पर आपको ये नहीं पता वो कैसा बिहेव करती हैं, बहुत सारी चीज़ें वेदर कंडीशंस पे भी मैटर करती हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स ड्रॉप इन है, तो कई बार वो विकेट्स उन विकेट्स में पेस होता है, कई बार वो बिल्कुल ही स्लो हो जाती हैं, तो जिस तरीके की वेदर कंडीशंस है दुबई में या अबू धाबी में, तो मुझे लगता है कि स्लोअर साइड पे होंगे, और स्लोअर साइड पे जैसे यूनिस ने बोला कि कई बार आप पहले भी बैटिंग करना चाहेंगे बिकॉज ड्यू एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकता है, अगर विकेट्स और ज्यादा स्लो होने लग जाए तो चेस करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जो खास मेहमान जिनका लगातार इंतजार हो रहा था, यानी कि पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद आफरीदी, हमें बताया जा रहा है कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, शाहिद बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपसे राबता, आपको इतना ज्यादा शिद्दत से याद किया जा रहा है भारत में कि
मतलब उनकी यू नो आई वाज फीलिंग सो सॉरी, मतलब मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे अगर आपसे रब्ता मैं ना करवा पाता भारत का तो. नेहा जी, शाहिद खान अफरीदी की आवाज सुनिए. वसीम, आंसू बचा कर रखिए, अभी 19 का मैच होना बाकी है, काम आ सकते हैं. लेकिन गौतम, मेरे ख्याल में बहुत देर से शाहिद हमारे साथ जुड़े हैं, आप जरा बात करना चाहेंगे सीधे शाहिद से, किस अपने अंदाज में जो वेलकम करना चाहेंगे. शाहिद, गौतम बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है जी? गौतम कैसे हैं आप? खैरियत? बिल्कुल ठीक. अच्छा, यही पूछना चाहूंगा कि हाँ, आप काफी क्रिकेट खेले हैं इधर यूएई में तो, और करंटली भी आप खेल रहे हैं, आपका जो पीएसएल होता है वो भी यूएई में ही होता है, तो आपको क्या लगता है कि विकेट्स किस तरीके से बिहेव करेंगी वहाँ पर, स्पेशली दिस टाइम ऑफ द ईयर, बिकॉज हम इतना ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं है, बहुत सालों से नहीं खेले हम यूएई में. वेल गौतम, मेरे ख्याल में जितनी क्रिकेट हम खेले हुए ये आप लोगों ने देखी है, आप लोगों के काफ़ी प्लेयर्स वहाँ खेले हैं, ज़्यादातर बैटिंग पिचेज होती हैं, अच्छी विकेटें होती हैं, बैट्समैनों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं विकेटें. मेरे ख्याल में 300 प्लस स्कोर होना चाहिए और होता रहा है. तो दुबई और अबू धाबी टोटली बैटिंग ट्रैक्स हैं, जो आपने ड्यू फैक्टर का है वो एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे. अब इस तरह की कंडीशन में जो इस तरह की पिचेस पे जब मैच होते हैं वहाँ रिवर्स स्विंग आपको लाजमी मिलता है, तो वहाँ पे ये है जब बॉल गीला हो जाता है तो फिर सॉफ्ट हो जाता है और बॉल रिवर्स होता नहीं है और हाथ में ग्रिप भी सही नहीं करता, तो वो तो एक बहुत बड़ा इशू रहेगा. तो आई थिंक अगर आपको लगता है कि जो टॉस जीते उसके लिए बॉलिंग करना बेटर है एज कम्पेयर टू कि बाद में बॉलिंग करने के. मेरे ख्याल में जो इस तरह के पिचेज है आप देखें, वही मैं बात कहूंगा कि कप्तान बेहतर तरीके से उस मौसम के हिसाब से डिसीजन लेंगे. लेकिन यह है कि आप जब रिवर्स हो रहा होगा, रिवर्स कौन सी टीम अच्छा रिवर्स स्विंग करती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और शायद भाई ये बता दीजिए, ये तो आप लोग क्रिकेटिंग रीजंस डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच में अक्सर नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से भी कभी कभी जीत और हार का फैसला आता है, मतलब वो जो एक प्रेशर होता है, एक आसाब की जंग होती है, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा मैटर करती हैं या इस पर्टिकुलर माहौल में आपके ख्याल में कर रही होंगी 19 तारीख के मैच में दोनों साइड्स पर? देखें वसीम, इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस चलती रही है सरफराज की कप्तानी में बहुत आउटस्टैंडिंग, और खासतौर पर जो हमारे 3-4 लड़के हैं वो बहुत जबरदस्त. मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की टीम दोनों बैलेंस टीम है, और असल चीज पाकिस्तान और इंडिया के मैच में सिर्फ प्रेशर को जो हैंडल कर ले, जो मुश्किल सिचुएशन में पैनिक ना हो. तो आई थिंक एक एक टीम्स आपके ख्याल में दोनों ही तकरीबन 19-20 हैं, तकरीबन बराबर ही हैं. 19-20 है. देखिए वसीम, पहले ये था कि आप अगर आप देखें कि इंडिया में जो भी नए प्लेयर आते हैं वो सारे आईपीएल से खेलते हुए आते हैं, बड़े क्राउड बड़े प्रेशर में से होके आते हैं. हमारे जो नए बच्चे आए हैं इनको भी प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा और कर सकते हैं, इसलिए कि ये भी पीएसएल से ही ये लड़के आए हैं. तो बड़े क्राउड में जब नया बच्चा आता है, ग्रूम होता है, खेलता है क्रिकेट वहां पे, तो वो फिर ऐसे प्रेशर नहीं लेना चाहिए. लेकिन शाहिद, ये जो बार बार आपके लिए जरा हैरतअंगेज खबर थी, विराट, देखिए नो डाउट विराट जो है वो इंडिया की, सॉरी नेहा इसके बाद अब सवाल, विराट जो है वो इंडिया टीम की बैकबोन है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, ग्रेट परफॉर्मर है, और एक एज अ कैप्टन टीम को लीड कर रहा था. रोहित नया कप्तान है और लेट सी, लेकिन यह है कि इंडिया की बैटिंग लाइन अप जो है वो हमेशा से एक स्ट्रेंथ रही है उनकी. जी नेहा प्लीज. तो मतलब शाहिद, जो एक तरह से बहुत कंट्रोवर्सी जैसी भी बनाई जा रही है इस बात को लेकर के, विराट को जो रेस्ट दिया गया है वो नहीं खेल रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनके बगैर जो भारत की टीम है वो बहुत मुश्किल भरे उसमें आ जाएगी, आपको ये लगता है या आपको लगता है कि विराट के बगैर भी टीम इंडिया की अगर बात करें तो वो भारी पड़ती है? अरे हमने ऐसे ही कहा था, आपने तो दिल पर ही ले लिया इस बात को नेहा जी. ऐसे ही विराट, देखिए विराट शायद को बोलने दीजिए वसीम, परफॉर्मेंसेस देखें उठा के, वो एक वो विराट जो है वो हमेशा से बैकबोन रही है टीम की, और मेरे ख्याल में इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर बड़े कम होते हैं परफॉर्मर्स, और उसके ना होने से उसकी जगह कौन प्लेयर खेलता है, कितना एक्सपीरियंस प्लेयर खेलता है, कितना मतलब वो उस प्लेयर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो भी होगा वो प्लेयर उस दिन. लेकिन यह है कि विराट की जगह फिल करना वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ मुश्किल होगा. जी अफरीदी, मैं एक बात आपको बताऊँ, इंडिया में यहाँ पर लोग चाहते हैं आपको, लेकिन बात यह है कि आप तो खेल नहीं रहे हैं और अभी उम्र भी कुछ नहीं है आपकी, मतलब इंडिया मिस कर रहा है आपको, ये बता दूं मैं. नहीं, हम भी इंडिया को मिस करते हैं, इंडिया से हमारी अपनी मोहब्बत है, इंडिया में जो हमें प्यार मिलता है आई थिंक वो प्यार हम हमेशा अपने साथ अपने मुल्क वापस लेके आते हैं, और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट चलती रहिए, एक प्यार का रिश्ता है, जुड़ना चाहिए, हमें साथ
सात समंदर पार लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, हमें आपस में रिश्ते मजबूत करने चाहिए। नहीं, लेकिन शायद आप जब ट्वीट करते हैं तो गौतम जवाब जरूर देते हैं, क्यों गौतम? देखिए, जिस तरीके का ट्वीट आता है उसी तरीके का जवाब जाता है, और इससे ज्यादा तो कुछ कहने के लिए वो कह रहे हैं वो मोहब्बत है उनकी, वो कह रहे हैं आपकी मोहब्बत है उसको। आई होप ये मोहब्बत आगे बढ़ती रहे, बिकॉज हम भी यही चाहते हैं कि मोहब्बत हो, लेकिन मोहब्बत सही तरीके से हो तो बेटर है, बिकॉज वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गौतम, अभी आर वेरी मच पॉजिटिव इंशाल्लाह। नो नो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली शायद, बिकॉज आई करना चाहिए एज अ 100% हमें मुल्कों को जोड़ने, 100% मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जवान यहाँ पर भी मरते हैं, जवान वहाँ पर भी मरते हैं, ठीक है, माएँ यहाँ पर भी अपने बच्चे खोती है और वहाँ पर भी खोती है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ठीक तरीके से अगर आपने क्रिकेट एक दूसरे के साथ खेलनी है तो आई थिंक पहले रिश्ते बेहतर होने चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज मैंने बिल्कुल पहले भी ये बात बोली है कि क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की जाने हैं इस देश में। क्रिकेट एक स्पोर्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जवान मरते हैं वो रुकना चाहिए। बात की है गौतम, बहुत अच्छी बात की है। मैं जरा जल्दी से, अब क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा, तो शायद अब जब व्यूअर्स ने पाकिस्तान में और इंडिया में आपको और गौतम को एक साथ स्क्रीन पे देखा होगा बात करते हुए, तो जाहिर है उनकी जहनों में, सबके जहनों में वो मनाजिर तो आए होंगे जो कि यूट्यूब पर आप लोगों के बड़े मशहूर जमाना 2007 के मनाजिर है, वो क्या था, और उसके बाद फिर आप लोगों की मैच के बाद बात हुई है कि क्या था वो? बस ये माशाल्लाह से मीडिया का ये काम देखो, जो हल्की हल्की तीलियां लगाता नहीं तो मीडिया करता ही है। अभी इस मासूमाना सवाल का तो जवाब दे दे। देखिए, मेरा हमारा क्रिकेट में मेरे जितने मेरे ख्याल में हम लोग बहुत साथ रहे हैं, या बहुत क्रिकेट हमने साथ खेली है मैं और गौतम ने, ये चीजें ग्राउंड में होती हैं, ये हो जाती हैं। अब मीडिया उसको क्या रंग देता है ये मीडिया के अपने लेकिन उस मैच के बाद फिर आप लोगों की फौरन बात हुई है क्या? मतलब ऑफ कोर्स हमारी होती रहती है, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात थोड़ी होती है, ये तो ग्राउंड के अंदर जो हो गया वो हो गया, लेकिन ग्राउंड के बाहर गौतम आपने चौके छक्के भी मारे हैं, कभी जरूरत पड़ी छक्के भी मारने पड़े। जो शायद ने बोला बहुत सेंसिबल चीज बोली है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारी पर्सनल राइवलरी है, ऐसा तो कोई है नहीं कि हम एक दूसरे से पर्सनल राइवलरी के एक दूसरे को उस तरीके से देखते हैं। अल्टीमेटली वो भी अपने देश को जिताना चाहते हैं, हम भी अपने देश को जिताना चाहते हैं, तो जो चीज़ हीट ऑफ द मोमेंट ग्राउंड पे होती है उसको ग्राउंड पे रहने देना चाहिए। उसके बाद जो यूट्यूब है या जो लोग बोलते हैं, आई थिंक शायद ने बहुत सेंसिबल तरीके से बोले कि ये मीडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ उनको मिल गई है कि कभी भी आपको कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाना हो या कभी भी उनके बारे में बात करनी हो तो मेरा शाहिद का वीडियो दिखा दो। आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है, आई थिंक शाहिद हैज बीन अ ग्रेट परफॉर्मर। मतलब अब ये मान लें कि शाहिद एकदम मैच्योर हो गए हैं, उम्र दराज हो गए हैं, मीडिया को फिर ऐसी चीजें देनी नहीं है मुझे जो आप लोग इस तरह का मटेरियल देंगे। वसीम, इस बात पर तो कहीं ना कहीं मैं भी आपके साथ हूं, तो मीडिया वही दिखाता है जो होता है, लेकिन ठीक है, क्रंच सिचुएशंस में मीडिया को स्केपगोट बनाकर निकला जा सकता है। वसीम, अच्छा वसीम, इसमें मेरा आपका इत्तेहाद हो गया, फाइनली वी एग्रीड ऑन समथिंग। एक सेकंड वसीम, अगर हम आप देख रहे हैं लगातार एशिया कप बिग बॉस की स्पेशल कवरेज, और ये कवरेज अपने आप में खास इसीलिए है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान की जॉइंट प्रस्तुति है। यानी पाकिस्तान से एआरवाई स्टूडियो से खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और यहां भारत में जैसे कि आप जानते हैं कपिल देव, गौतम गंभीर और संदीप पाटिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल जी, अब ठीक है कोहली नहीं, अभी रोहित शर्मा, वही रोहित शर्मा है जिन्होंने वो मोहम्मद आमिर के बारे में कहा था कि ये तो ठीक है ऐसे ही है बस, फिर वो उसके बाद दोबारा उनसे आउट हो गए। तो रोहित शर्मा को इस हवाले से कोई खास ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि भाई वो आमिर के बारे में बड़े बोल तो बोल दिए, ये ना उसी आमिर के हाथों फिर बोल्ड हो जाए। अगर वो अच्छी गेंद करेंगे तो जरूर बोल्ड होंगे, और ये अच्छा नहीं खेलेंगे तो आउट होंगे। देखिए शायद आप, मुझे समझ नहीं आया मैं इधर क्यों बैठा हूँ। हम एक दूसरे की तारीफ होनी चाहिए, अच्छी टीम है आपकी, बेहतर खेल रही है, आप शब्दों में या लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मैच की आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए, हम अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं भिंडी बाज़ार में बैठा हूँ और बातें सुन रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ है, अजीब सा लगा है कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डिस्कशन का धारा उम्मीद पर्सनल मामला से लेकर मैच की तरफ आ गए हैं ताकि जरा मैच में कर सके बात। तो कपिल जी, आप बड़ी कंस्ट्रक्टिव एकेडमिक बात करते हैं, आपको ऑन पेपर इस वक्त मुझे पता है कि आपका एनालिसिस बिल्कुल आप जो समझते होंगे वही कहेंगे, ऑन पेपर आपको इस वक्त कौन सी टीम अच्छी लगती है प्लेइंग 11 जो दोनों आपके सामने इस वक्त? देखिए बहुत अच्छी पाकिस्तान वहां खेल रहा है, अपने मैदान में खेल रहा है, और पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। अगर पाकिस्तान अपनी वहां पर जहां पर वो खेल रहे हैं अगर 260-280 रन बना लेंगे तो उनके गेंदबाज हमेशा बचा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की वीकनेस सिर्फ उनकी बल्लेबाजी है, उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग
बल्लेबाजी नहीं है, गेंदबाजी बहुत अच्छी है। अगर वो 180 भी बनाते हैं तो पाकिस्तान के पास लेकिन कपिल जी जो हमें रिसेंटली इमामुल हक और फखर जमान की सूरत में जो एक पेयर मिला है, लाइक सईद अनवर आमिर सुहेल के बाद हमें पहली मरतबा एक अच्छा पेयर मिल गया दोबारा, जिसने अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ वो कहेंगे आपके, लेकिन 304 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की है दुनिया में, यू नो व्हिच इज आल्सो अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो बैटिंग आपके ख्याल में रिसेंटली पाकिस्तान की इंप्रूव हुई है इस एतबार से? जी बहुत अच्छा किया, इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया और हम चाहते हैं कि और भी रिकॉर्ड बनाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर अलग होगा। जैसे गौतम ने भी कहा कि जिम्बाब्वे की गेंदबाजी और बाकी टीमों की गेंदबाजी थोड़ी सी फर्क होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी टीम अच्छी नहीं है, लेकिन जो इतिहास कहता है, जो रिकॉर्ड कहता है, जो ये कहता है कि पाकिस्तान के पास गेंदबाजी बहुत अच्छी होती है। हाल ही में पिछले अगर 10-15 साल की बात करें, उनकी स्ट्रेंथ बल्लेबाजी नहीं है, गेंदबाजी है। क्या वो 200-250 रन बना सकते हैं, 280 बना सकते हैं, तो वो किसी टीम को भी हरा सकते हैं। ये खास पेशकश जो आपने देखी यूनुस खान साहब अभी बैठे हुए आप देख सकते हैं, किसी पर इतजे के मोहताज नहीं है। और तनवीर अहमद साहब रिकॉर्ड में बता चुकी हूँ, 5 टेस्ट मैचेस, 2 वनडे, अब ये वाकई में भारत के परिचय के मोहताज नहीं है। 19 तारीख को पूरी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो आंसुओं की आप बात कर रहे थे ना, आंखों में आंसू, मैं कहती हूँ बचा कर रख लीजिए सर, 19 तारीख को काम आ सकते हैं। बहरहाल आप देख रहे थे ARY और ABP न्यूज की खास पेशकश, भारत और पाकिस्तान की ज्वाइंट प्रस्तुति। और देखिए यही तो मजा है, यही तो तकरार है, यही तो मजा है जो फील्ड पर भी नजर आता है और मैदान के बाहर भी नजर आता है। अब देखना होगा 19 तारीख को कैसा धमाल होता है क्रिकेट के मैदान पर। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के सभी मेहमानों का हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर कपिल देव, गौतम गंभीर और संदीप पाटिल, आप सबका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं धमाकेदार मैच भारत पाकिस्तान का क्रिकेट के मैदान पर देखने को मिलेगा 19 तारीख को। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।